जो यात्री ट्रेन से विंध्याचल स्टेशन पहुंचते हैं, वहां से ऑटो मां के मंदिर के पास ले आता है। यहां पूजा के लिए दुकानें सजी धजी हमेशा खुली रहती हैं। प्रसाद में फूल, माला, लाई, पेड़ा, नारियल, सिंदूर, चूड़ी, चुनरी आदि मिलते हैं। सुहागन अपने लिए सुहाग का सामान यहां से खरीदकर घर ले जाती हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि मां के धाम से सिंदूर अवश्य घर लेकर जाना चाहिए। मां का भव्य मंदिर जिसके मध्य भाग में मां विराजमान है। जो निरंतर अपने भक्तों के दुखों को हर के सुख शांति प्रदान करती है। जगत जननी मां विंध्यवासिनी जी यहां लक्ष्मी के रूप में विराजमान है। यहां की एक पौराणिक कहानी भी है। जब सृष्टि की रचना हुई तब इस धरती पर मनु नाम के राजा हुए। राजा मनु और उनकी पत्नी सतरूपा ने विंध्याचल पर्वत पर जाकर पिंड रूप में माता की पूजा की। मां ने मनु और सतरूपा के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए।
भाज भाज के चल।